एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और बताइए आप सब कैसे हैं? हम तो यहाँ बहुत मज़े से हैं। ये देखिए, मैं आ गई हूँ किचन में चीला बनाने के लिए। मेरा चीला बन गया था, पूरा रेडी हो गया था, बस एक ही बचा हुआ था तवे में, तो उसको निकाली हूँ। और मेरा दूध भी उबल गया था, चाय भी बन गया था, सब बना डाली। क्योंकि पहले क्या है, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी सोच रही थी, फिर मैं बोली नहीं बना लेती हूँ यार, बहुत दिनों से मैं व्लॉग नहीं बनाई हूँ। तो और अभी मैं लेकर आ रही हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि अब झाड़ू लगाना बाकी है, उसको मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। आप लोग तो जानते ही हैं, बच्चे, घर का काम और सब, दोनों तीनों संभालना बहुत मुश्किल है। फिर भी धीरे धीरे मैं कर लेती हूँ। परेशानी तो होती है, कैसे, बहुत मुश्किल होता है यार, सब चीज़ देखना, संभालना। और बाबू अभी तो फ़िलहाल सोया हुआ है, इसके वजह से सब काम मेरा हो गया है इजीली। नहीं तो बाबू दिन भर परेशान करते रहता है, बीच बीच में आते रहता है, मम्मी क्या है, ये क्या है। ज़्यादा तो बात नहीं करता, बट लेकिन बोलते रहता है, आके रोते रहता है, परेशान करता है, इधर का चीज़ उधर फैला देता है। तो थोड़ा मुश्किल तो होता है सब एक साथ संभालने, लेकिन कोई ना, कर लेती हूँ, धीरे धीरे से हो जाता है। और अभी ये मैं लगा रही हूँ कि घर, ये रूम को झाड़ू, किचन मेरा लग गया है, रूम का झाड़ू कर रही हूँ। और अभी क्या है, सब्जी वगैरह में भी देखना पड़ेगा क्या बनाना है क्या नहीं, तो वही मैं बोली पहले झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, उसके बाद ही देखते हैं क्या होता है। और ये दोनों अभी सोए हुए हैं, देखिए सोए हुए हैं, तभी तो मेरा काम हो भी गया है, वरना हो भी नहीं पाता मेरा काम। अरे ये देखिए, अब मैं हॉल में आ गई हूँ, हॉल का मेरा झाड़ू हो गया है। और ये देखिए प्यारा सा मेहमान मोलू, मैंने रखा है नाम उसका मोलू। और मेरा झाड़ू इधर लग रहा है। कई लोग बोलते हैं, कई लोग सोचते हैं, दो ही ठो तो रूम है, कितना काम होगा, क्या है, कई लोगों को बोलते देखी हूँ मैं। अरे जो करता है ना, उसी को पता चलता है होता क्या है और कैसे करते हैं। बच्चे को भी संभालना, फिर इधर घर का काम भी करना, फिर उसके बाद दुकान भी देखना। तो फिर भी अब बोलने वालों का क्या है यार, वो तो बोलेंगे ही, जैसे भी हैं करती हूँ। क्योंकि बोलने से मेरे को फ़र्क पड़ने लग गया तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगी, इसी कारण से ध्यान नहीं देती उन सबका, अपना जो भी है वो करती हूँ धीरे धीरे। अब मेरा झाड़ू लग गया है। मेरा क्या है, ये कपड़ा बचा हुआ है तह लगाने के लिए, क्योंकि क्या है, रात सुबह मैं जैसे कपड़ा धो के सुखा देती हूँ, रात में आती हूँ तो निकालती हूँ और उसके बाद ऐसे ही रख देती हूँ। रात में शॉप से आने के बाद तो मेरे से नहीं हो पाता कि कपड़ा को भी घड़ी करूँ, तो उसको रख देती हूँ, उसको सुबह ही करती हूँ। तो वही अभी कपड़ा घड़ी कर रही हूँ। वही मेरा कपड़ा बचा हुआ था, उसको थोड़ा बहुत ही था, ज़्यादा नहीं था। हाँ गाइस, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और अच्छे से मैं वीडियो और अच्छे से बना सकूं। आप लोग प्यार नहीं देंगे वीडियो में, लाइक शेयर नहीं करेंगे तो मुझे पता भी कैसे चलेगा। आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है यार, प्लीज़ प्लीज़ गाइस, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। थोड़ा नर्वस होके बनाती हूँ, वो थोड़ा सा अच्छे से बना सकूं। तो इसमें क्या है, आप लोगों का लाइक मिलना ज़रूरी है ना, प्यार मिलना तो बहुत ज़रूरी है, प्यार से ही तो सब चीज़ होता है। अगर आप लोग प्यार नहीं देंगे तो कैसे बनेगा। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा मुझे भी, ताकि मैं अच्छे से और कर सकूँ। ये देखिए मेरा कपड़ा हो गया है तय, और अभी मैं ये थोड़े टाइम के लिए फ्री हुई हूँ समझो, क्योंकि अभी बाबू सोया हुआ है इस कारण से।
नहीं तो फिर तो देखिए सुबह सुबह का हालत कैसा हो जाता है, क्योंकि सुबह ही तो ज़्यादा काम हो जाता है ना इसकी वजह। तो अभी देखिए झाड़ू लगाने के साथ साथ ना अभी मैं किचन में आ गई हूँ। मैं क्या इधर सब्जी को भी चढ़ा ली थी, आलू भुजिया बना रही हूँ सब्जी में। ये देखिए आलू दिखा रही हूँ आपको, आलू भुजिया बना रही हूँ और दाल और भात। तो मैं झाड़ू लगाते के साथ साथ मैं सोची बाबू सोया हुआ है तो सब्जी भी बना लूँ अपना, ये जो है दाल चावल वो भी बना लूँ, क्योंकि टाइम तो हो ही गया था बहुत। तो इसकी वजह से मैं बोली अब टाइम भी था बाबू तो हो गया। अब ये देखिए धनिया फ्रिज से देखी मैं निकाल के, धनिया मेरा सड़ रहा था थोड़ा थोड़ा, तो उसको मैं बोली खुले में रख देती हूँ करके सूपा में रख दी हूँ। और इधर चावल भी चढ़ा डाली थी दाल के, दाल बन गया उसके बाद से चावल भी चढ़ा दी थी। और इधर बर्तन था उसको भी मैं धो रही थी धीरे से, तो वो भी धुल गया था। अब क्या है ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पाती ना अकेले, कितना को करूँ ऐसा हो जाता है। अभी गैस को मैं बोली साफ़ कर देती हूँ। गैस मेरा क्या है मैं सुबह जो है पूरा क्लीन करके ही रखती हूँ, ताकि शाम को आऊँ देखूँ मेरा साफ़ रहे किचन। तो अभी की किचन क्या है गैस को साफ़ कर रही हूँ, किचन साफ़ रहता है ना तो किचन में आने से बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो देखने से ऐसा लगता है बाप रे कितना कचरा पड़ा हुआ है। जानते तो हो किचन में ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि सब्जी वगैरह बनाओगे खाना बनाओगे तो थोड़ा बहुत लग जाता है गिर जाता है, इसी कारण से किचन वगैरह साफ़ रहता है ना तो अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है देखने वालों को भी अच्छा लगता है ऐसा है। तो वही मेरा किचन का पूरा साफ़ हो गया। अभी क्या है बहुत, जिस दिन बापू उठ जा रहता है ना तो मेरे को काम करते करते बहुत टाइम हो जा रहता है। मतलब ऐसा है कि उसको देखूं, क्योंकि बीच बीच में आते रहता है और रोता ज़्यादा है मेरा बाबू, तो उसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो आज मेरा काम लेकिन बहुत जल्दी हो गया, मुझे भी अच्छा लग रहा है काम जल्दी हो गया, लेकिन किसी किसी दिन ना 1 बज जाता है मेरे को, शॉप जाते 1:30 2 बज जाता है। क्या करूं अकेली हूँ, घर का काम करना ही है मुझे और कोई थोड़ी ना आके करेगा, तो इसके वजह से करती हूँ पूरा करके ही जाती हूँ, क्योंकि फिर आऊँगी रात में तो रात में कितना टाइम करूँगी, इसके वजह से पूरा काम करके जाती हूँ तो अच्छा लगता है सब। तो अभी मेरा चावल बन रहा है देख लीजिए, और मेरा जो ये है गैस वगैरह का पोंछने उछने का काम वो सब हो गया है। चावल पका है कि नहीं? पक गया है चावल, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। हाय अब मैं जल्दी से रेडी होऊंगी। अब इधर देखिए मेरा बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गया है, इधर चावल बनाते बनाते मैं बाथरूम में गई हूँ और कपड़ा धोई हूँ। कपड़ा धोने के साथ साथ ये देखिए पानी भर रही हूँ निचोड़ने के लिए, क्योंकि एक बार मैं धो के साफ़ कर डाली हूँ, एक पानी और धोना है उसके बाद मेरा इधर का भी, क्योंकि सब तरफ हाथ चलाना पड़ता है ना, किचन भी देखो फिर आपका वो भी देखो। ये देखिए मेरा बाबू उठ गया है, बदमाशी कर रहा है खिड़की में खड़े होके, दादा 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 चिल्लाते रहता है। दादा रहे चाहे ना रहे वो चिल्लाएगा ज़रूर, उसको अच्छा लगता है वैसे चिल्लाते हुए। तो इधर बाथरूम भी का भी देख रही हूँ, इधर किचन का भी देख रही हूँ। तो ये देखिए मेरा कपड़े निचोड़ गया है और पूरा अब मैं लेके जा रही हूँ उसको छत, छत में क्या है सुखाने से थोड़ा ठीक लगता है ना। और ये देखो वो भी आ रहा है, क्योंकि मुझे देखता है जहाँ ऊपर जाना है तो वो जाएगा ही जाएगा, वो हमारी तुलसी मैया हैं। और देखना अभी बाबू आएगा और मुझे कपड़े भी देगा।
एक एक कपड़ा सुखाने के लिए देता है मुझे जल्दी से हो जाता है, वो भी थोड़ा हेल्प कर देता है। तो हेल्प क्या, मस्ती कर रहा है वो उसको अच्छा लग रहा है, पानी गीला गीला है तो उसको दे रहा है। तो अब ये मेरे सारे कपड़े सूख गए हैं, तो अब हमारे यहाँ ये देखिए नया मंदिर बन रहा है, दिखाती हूँ आपको। मेरे शिव भोले बाबा का मंदिर बन रहा है, बगल में जो है हनुमान जी का मंदिर है, और ये मेरे शिव भोले बाबा का मंदिर बन रहा है। चलिए सूख तो गया कपड़ा, देख रहे हो इसको खेल रहे हैं पानी से। नहीं बाबू चलो चलो, उसको नहीं खेलो, चलो अब नीचे चलते हैं, चलो नीचे चलते हैं बेटा, चलो नीचे चलो चलो। तो ये अभी मेरा सब काम हो गया है, नहा धो के रेडी हो गई हूँ, अब मैं जाने जाऊंगी अभी सौ तो। और ये देखिए मेरे बाबू को देखिए, ये भी अपना रेडी हो गया है। ये देखो बाबू, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हाय हाय करो अब ये लेने आने वाले हैं, बुलाई फोन करके, तो अब हम लोग जाएंगे शॉप अपने। तो अभी ये वीडियो ऐसे भी बहुत लॉन्ग हो गया है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। सपोर्ट और शेयर कीजिएगा, है ना। अभी थोड़ा सा नर्वस होके धीरे धीरे बोल रही हूँ, बट ये धीरे धीरे आपका कंप्लीट हो जाएगा, मेरा भी थोड़ा सा नर्वस दूर हो जाएगा। तो और आप लोग मेरे मुझे सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। तो इस वीडियो को अभी यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से।